केंद्र की सत्ता के 8 साल पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर महेश शर्मा जी, सतपाल सैनी जी, तेजपाल नागर जी के अलावा जिलाध्यक्ष विजय भाटी जी भी मौजूद रहे। उपस्थित पत्रकार छायाकार बंधुओं, मेरे साथ उपस्थित हमारे प्रभारी और अभी अभी जिन्होंने MLC का चुनाव जीता है, आदरणीय सतपाल सैनी जी, जिनके प्रभार नेतृत्व में हमारी सरकार ने 5 सीटें हमारे क्षेत्र में जीती हैं, भाई तेजपाल नागर जी, जिन्होंने भी इतिहास लिखा है, 1,37,000 वोटों से इस क्षेत्र में जीत प्राप्त कर, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई विजय भाटी जी, भाई मनोज गुप्ता जी, पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति भाई देवा भाटी जी, जिला पंचायत का मुख्य अध्यक्ष तो नहीं है, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, यह हमारा सौभाग्य है कि अपनी इस कर्म भूमि की माटी में मुझे भी 39 वर्ष रहने का मौका मिला है और इस 39 वर्षों में अपने इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का एक शो विंडो जो कहलाता है, तकनीकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश में है लेकिन जिसकी किसी भी चीज़ की हम तुलना हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करते हैं। आज वह क्षेत्र देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बना चुका है और इस दिशा में अग्रसर है। हमारे दोनों यशस्वी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सबसे लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, एक ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने प्रदेश को एक बीमारू राज्य से एक उत्तम उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर करने का संकल्प लिया है और उसमें सफलता भी प्राप्त की है और हम सब भी गौरवान्वित हैं कि हम उस क्षेत्र के वासी भी हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। साथियों, ये सरकार, कल्पना करें, जब 2014 में भारत में एक नकारात्मक भाव, एक अंधियारा सा छाया हुआ था, देश के किसान में, देश के युवाओं में, देश की आम जनता में राजनीति, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर विश्वास उठ सा चुका था, भविष्य अंधकार में नजर आता था, राजनीति का मतलब भ्रष्टाचार, राजनीति का मतलब सिर्फ भाषणबाजी, राजनीति का मतलब अकर्मण्यता और राजनीति का मतलब आम जनता का राजनीति और राजनेताओं पर से विश्वास उठना। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने करवट ली और एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। मेरा भी सौभाग्य रहा कि उस पहली सरकार में मुझे भी 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के साथ रहने का मौका मिला और आज जो विकास की नई गाथा हम देख रहे हैं अपने देश और प्रदेश में, वास्तव में अकल्पनीय थी। देश की 70 साल की आज़ादी में जिस गरीबी की चर्चा करते हुए और हम लोग सुनते हुए वर्षों सदियां गुजर गई थी, वह गरीबी बढ़ती जा रही थी, गरीब पिसता जा रहा था। आज देश में अगर हम बात करें तो गरीब की चर्चा होती थी लेकिन गरीब की जो समस्याएं थी उन पर कार्य नहीं होता था। गरीब का मतलब गरीब को घर चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर देने का जो कल्पना की गई थी वह धरातल पर आई है। प्रदेश के अंदर जितनी बड़ी संख्या में गरीबों को आवास दिए गए हैं वह अकल्पनीय था। घर में एक टॉयलेट होना चाहिए, घर में एक बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, घर में एक गैस का चूल्हा होना चाहिए, बिजली भी मिली, टॉयलेट भी मिला, गैस का सिलेंडर भी मिला और पेशे से चिकित्सक हूँ, आम जन के इस दर्द को भी समझता हूँ कि इलाज के समय लोगों के घर बिक जाते थे, गहने गिरवी रख दिए जाते थे, 5 लाख रुपए तक का बीमा भी आज उन्हीं का, हर व्यक्ति का कराया गया। आम जन
चाहे वो गरीब पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उनमें बढ़ोतरी की गई। अभी कल परसों ही 500 रुपये से बढ़ाकर दिव्यांगजन पेंशन 1000 रुपये की गई है। आम जन के लिए, एक साहूकार से ब्याज लेता था एक छोटा व्यापारी, 5 रुपये 10 रुपये सैकड़े पर ब्याज लेता था। आज मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना के माध्यम से आज एक आम व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है। एक आम व्यक्ति का बीमा किया गया है, 2 लाख रुपए तक का एक बीमा, मात्र 1 रुपए महीने पर, यानी सिर्फ 12 रुपए साल पर बीमा, 300 रुपए साल, यानी 1 रुपए रोज के साथ 2 लाख रुपए तक का अन्य जीवन बीमा योजना, एक्सीडेंट योजना, किसान को फसल बीमा योजना के माध्यम से जहां उसकी 50% अगर फसल नुकसान होती थी तो बीमा, फसल बीमा योजना लागू होती थी, उसको घटाकर 33% किया गया। किसानों के सम्मान निधि का 6000 रुपये प्रति साल सम्मान निधि जो दी गई, जिसमें आज से 3 दिन पहले 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि उनके खातों में सीधे गई है। पत्रकार छायाकार बंधु, आप भी जानते हैं कि अगर ये 6000 रुपये किसान के खाते में आज से पहले जाने थे पिछली सरकारों के माध्यम से, तो न जाने कितने प्रतिशत बिचौलिए, अधिकारी, बेईमान खा जाते इसमें। लेकिन आज एक एक पैसा DBT के माध्यम से सीधे किसान के खाते में पहुंच रहा है। कल्पना कीजिए, जब 29 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुले एक पैसे भी जमा कराए बगैर, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से टॉयलेट की बात करता था तो कई बार कुछ लोग हंसते भी थे। आज वही जनधन खाता और वही टॉयलेट व्यवस्था विश्व पटल पर हमारी पहचान बनी है। एक आम आदमी बैंक का दरवाजा नहीं देखता था, अगर बैंक खोलने के लिए अपने मालिक, अपने जिसके नीचे काम करते हैं, या किसी से गांव प्रधान से अगर वो कहता था कि मेरे बैंक का साइन सर्टिफाई कर दो, तो सर्टिफाई करने से भी वो डरता था कि कहीं भाग ना जाए पैसे लेकर। आज वह विश्वास आम जनता में जगा है कि आपको अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने के लिए विधायक सांसद के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपको स्वयं अपने सर्टिफिकेट को अटेस्ट करवा कर सकते हैं। 1200 के करीबन ऐसे नियम कानूनों को ख़त्म किया गया जो रिडंडेंट थे। आम जनता का सम्मान अपनी नज़रों में बराबरी के हक पर खड़ा होने का हक उन्हें दिया है। और इसी संकट काल में लगभग 2 वर्ष इस कोरोना जैसी महामारी ने भी जहां देश नहीं विश्व की व्यवस्थाओं को हिला दिया था, आज उस वक्त भी हमारी सरकारों ने, और यहां तक कि हमारी पार्टी के दोनों अध्यक्ष हमारे यहां बैठे हैं भाई मनोज गुप्ता जी, करीबन 1 लाख लोगों को रोजाना भोजन कराना, दोनों टाइम भोजन कराना बहुत बड़ी बात थी। साथियों, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका था, गरीब को गरीबी में मदद हो, 85 करोड़ देश में और 15 करोड़ देशवासी, प्रदेशवासियों को लगातार 2 साल तक भोजन उपलब्ध कराना, अन्न उपलब्ध कराना, ये किसी कल्पना से बाहर की चीज़ थी। आज आपका गौतम बुद्ध नगर, आपका नोएडा नए इतिहास लिख रहा है। यहाँ बनने वाला विश्व का 6ठा और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जहां दिल्ली के हवाई अड्डे से 2.5 गुना और बम्बई के हवाई अड्डे से 3-3.75 गुना बड़ा है, जहां हवाई यात्रियों के लिए सुविधा, कार्गो माल ढोने के लिए सुविधा, और जहां हवाई जहाज की मरम्मत के लिए सुविधा, तीनों सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होगी, ऐसा हवाई अड्डा देश में बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रदेश में 2 हवाई अड्डे हुआ करते थे, लखनऊ और वाराणसी, आज 7 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 5 हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर हैं। आज पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये आपका जेवर हवाई अड्डा, देहरादून से चलकर, आगरा से चलकर, लखनऊ से चलकर, मथुरा से चलकर, मेरठ से चलकर, दिल्ली से चलकर, एक भी लाल बत्ती के बिना इस हवाई अड्डे पर आप हम पहुँच पाएंगे। जहाँ विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, मुझे अभी मैंने आंकड़े लिए हैं कि परी चौक से लेकर जेवर टोल तक लगभग 28
विदेशी कंपनियों ने बड़ी जगह ली है, जहां से रोजगार उत्पन्न होगा। अकेले हवाई अड्डे से 1,00,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। आज भारत, जिसकी पहचान भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म बना है, जहां गंगा यमुना नदी का सौभाग्य हमारी भारत की माटी को उपलब्ध है, आज 2 जून है। आज 2 जून कल गुजर गया है, आज 3 जून है। कल ही हमने विश्व गंगा दिवस भी मनाया है। माँ गंगा जो जीवनदायिनी का रूप बनी है, और गंगा और यमुना का दुआबे का सौभाग्य होने का प्राप्ति हमारी इस गौतम बुद्ध नगर की माटी को है, जहाँ उद्योग के साथ साथ आध्यात्म और भारत की संस्कृति की पहचान भी नए पटल पर है। भगवान राम मंदिर की कल्पना जहाँ लोगों ने नहीं की थी, बाबा विश्वनाथ का नया स्वरूप, इस बार हुआ कुंभ का आयोजन विश्व के लोगों के लिए एक चमत्कार के रूप में था। पर्यटन की दृष्टि से राम सर्किट, कृष्णा सर्किट, बुद्धा सर्किट के माध्यम से जहां पर्यटन को नई विकास की सोच के साथ, कि जब भगवान बुद्ध की का कोई अनुयायी इस भारत की माटी पर, जहां बुद्ध के 4 प्रेरणा स्थलों में से 3 हमारे पास हैं और 1/4 लुम्बिनी नेपाल में है, जहाँ भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, जहाँ भगवान बुद्ध ने अवसान किया, जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की, और जहाँ से भगवान बुद्ध ने सारनाथ से जहाँ संदेश दिया, वह 4 जगह हमारे भारत में है। तो वहाँ से लेकर और उसकी विदाई तक, वापस उसके देश तक, ये व्यवस्था इन सर्किट के माध्यम से की गई है। जाल बन गया है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, गौतम बुद्ध नगर से लेकर आगरा और लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के माध्यम से DMIC कॉरिडोर हो, ये सभी, इन्हीं सारे जो हमारे कॉरिडोर्स हैं, सारे जो हमारे हाईवेज हैं, इनका केंद्र बिंदु हमारा गौतम बुद्ध नगर बना है। बुड़ाकी रेलवे स्टेशन जहां एक स्थल बनेगा, कल्पना नहीं की थी कि जेवर तक हमारी मेट्रो ट्रेल चलेगी, आज वह दिन भी हमें देखने को मिल रहा है। 300 करोड़ से ज़्यादा से लगा अपने क्षेत्र की झांकी और देश की सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को लेकर दीनदयाल उपाध्याय कल्चरल सेंटर, और अब वह एक हेरिटेज यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पिछले लगभग 2 महीने से हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है उसको। अब बहुत खूबसूरत बिल्डिंग आपने भी देखी है। क्षेत्र में सबसे बड़ा जो औद्योगिक निवेश, जिसकी आज हम लोग प्रधानमंत्री जी लखनऊ में और मुख्यमंत्री जी लखनऊ में जिसका शिलान्यास कर रहे हैं, 80,000 करोड़ रुपये की योजनाओं में से 26,456 करोड़ रुपए, यानी लगभग 32% योगदान आपके इस गौतम बुद्ध नगर, मेरी कर्म भूमि की माटी इस गौतम बुद्ध नगर, जहां अपने जीवन के 39 वर्ष मैंने गुजारे हैं, मुझे साथी के रूप में, राजनीतिक साथी के रूप में भाई तेजपाल नागर जी जैसे व्यक्तित्व मिले, हमारे और दोनों विधायक, हमारी पार्टी के संगठक के रूप में हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई विजय भाटी जी, भाई मनोज गुप्ता जी और उनकी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम मिली है। आज शक्ति, महिला सशक्तिकरण के नाम पर कल जो आज एक अखबार आप पत्रकारों ने जो एक दृश्य छापा है कि किस तरह एक एड्स पीड़ित महिला और उसके बच्चे के लिए जिलाधिकारी ने जिसका समर्थन किया है, जिसका सहयोग किया है, महिला शक्ति के लिए शक्ति योजना की शुरुआत, महिलाओं की जो बच्चियां स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं करती थी, बंचलों से और बदमाशों से डरती थी, आज जब गुंडे बदमाश क्षेत्र छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, या उन्हें दूसरी सजाएं मिल रही हैं, इससे विश्वास जगा है देश नहीं विश्व की कंपनियों का। और आज बिजली, जिसकी 24 घंटे की व्यवस्था की हम बात करते थे, पिछले 15 वर्षों में हमारी सरकार आने से पहले एक भी नया बिजली घर नहीं बना था। मुझे खुशी है कि 12,000 करोड़ की लागत से मेरी लोकसभा क्षेत्र के खुर्जा क्षेत्र में जिस बिजली घर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने किया था, आज उसका लगभग 2/3 काम पूरा हो चुका है और उसकी 60% बिजली हमें मिलेगी। आज जिन व्यवस्थाओं में जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, कानून व्यवस्था से लेकर, बिजली व्यवस्था से लेकर,
संपर्क मार्ग से लेकर औद्योगिक निवेश से लेकर और स्टार्टअप स्टैंडअप फसल बीमा योजना किसान बीमा योजना ये जितनी व्यवस्थाएं भारत सरकार की आई हैं इन सब का पूरा उपयोग हमारे क्षेत्रवासी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है दोनों हमारे नेताओं योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश नई ऊंचाइयां छुएगा और आपके सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हुए आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं। आप सभी के कोई प्रश्न होंगे तो एक एक करके आप अपने स्थान से पूछ सकते हैं अपना परिचय लेते हुए। सांसद जी आपने उपलब्धियों के महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जिस महंगाई की हम बात कर रहे हैं दो वर्ष के इस कोरोना काल ने देश नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ अब भी हमारा जीडीपी 8.75% पर है। महंगाई का होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर कल्पना अगर हम पिछले समय से करें और इस कोरोना काल के बाद करें तो आज हम उस स्थिति की कल्पना करें जब दाल और प्याज के भाव कहीं छू जाते थे। आज देश ने एक ऐसी व्यवस्था करी है और सतत कंटिन्यूस मॉनिटरिंग व्यवस्था कि अगर आज प्याज का भाव बढ़ रहा है तो देश की सरकार अपने स्टॉक में हमारे देश के पास इतना स्टॉक है उस स्टॉक से जारी कर देती है और उस रेट्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेती है। बहुत तेज़ी से हमारे भाव दाम नहीं बढ़े हैं, कुछ कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं। पेट्रोल और डीजल की जो बात करते हैं वो आप भी जानते हैं आज पेट्रोल डीजल के भाव किसी सरकार के हाथ में ना होकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के तहत होते हैं लेकिन फिर भी ये काफ़ी कुछ कंट्रोल है। राहुल गांधी का 3-4 दिन पहले स्टेटमेंट आया है कि कश्मीर में सुरक्षा कर्मी मारे जा रहे हैं, जनता मारी जा रही है, जो हालात बने हुए हैं और बीजेपी जो है 8 साल पूरा होने का जश्न मना रही है, इसमें क्या कहेंगे? श्रद्धेय राहुल गांधी जी, ये आपकी दी हुई विरासत है, ये आपकी दी हुई देश को सौगात है जिसका दंश आज 130 करोड़ देशवासी झेल रहे हैं। आपके पूज्य प्रियजनों ने जो देश को ये दर्श और दर्द दिया था आज उसी दर्द को ये भारत झेल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ उस कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव किया है, धारा 370 का हटना मैं समझता हूँ उस कश्मीर के विकास के लिए नई इतिहास लिखेगा लेकिन कुछ घटनाएँ हुई हैं पिछले खासतौर पर सप्ताह भर में ये दर्दनाक हैं शर्मनाक हैं और ऐसे लोगों को विश्व के लोगों ने अलग थलग कर दिया है और मुझे पूरा विश्वास है एक मजबूत सरकार देश में है और ऐसे लोगों का पूरा निर्मूल उनको हटाया जाएगा उस व्यवस्थाओं से और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। बदले की राजनीति का आरोप विपक्ष लगा रहा है, ईडी के जरिए अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। देखिए आप ईडी के जरिए जिसको व्यवस्था को कहते हैं क्या अभी तक ईडी ने किसी ऐसे व्यक्ति पर आक्षेप लगाए हैं या कार्रवाई की है जिसके पास कुछ भी गलत ना मिला हो? आप कार्रवाई ना करें तो आप अकर्मण्य कहलाएंगे। अगर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं हवाला का व्यापार हो रहा है उस पर कार्रवाई करना क्या गलत है? क्या उसे ईडी का दुरुपयोग कहा जाएगा? हाँ आप में से यहाँ अगर कोई किसान का बेटा मान लीजिए यहाँ बैठे हैं देवा भाटी जी बैठे हैं इन पर ईडी आकर कार्रवाई करे और इन पर पास कुछ ना निकले तो हम उसे दोषी कह सकते हैं लेकिन ईडी ने जिस पर भी कार्रवाई की है उनकी थाली में कहीं ना कहीं छेद। देखिए हमारी सरकार में यह कहना तो हो सकता है लेकिन यह होना संभव नहीं है। हमारी सरकार में यह फर्क नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों। अगर गैस का सिलेंडर मिलेगा तो बिना जाति धर्म व्यवस्था के मिलेगा, नौकरी मिलेगी तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कौन जाटव है कौन यादव है कौन मुस्लिम है और कौन ब्राह्मण है।